हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6B क्लास 7 RS अग्रवाल मैन। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सपोनेंट, मोनोमियल, पॉलीनोमियल, बाइनोमियल एक्सेट्रा, है ना, मोनोमियल टू मोनोमियल, बाइनोमियल टू मोनोमियल या बाइनोमियल टू पॉलीनोमियल। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हम मल्टीपल करना सीखेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करना सीखेंगे, मोनोमियल का मोनोमियल में, मोनोमियल का पॉलीनोमियल में, सिंपल सी बात, पॉलीनोमियल का पॉलीनोमियल्स में, सिंपल सी बात, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट 3a² × 8a⁴। चलिए करते हैं इसे। ओके, 3a² × 8a⁴। तो करते क्या है, कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीपल करते हैं। आप लोग डायरेक्ट लिखोगे 3 8 = 24, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं 3 × 8 × जो लाइक टर्म होते हैं उनको पास पास लिखेंगे, उसका मल्टीपल इसमें होगा। ओके, यहां तो एक ही है, हो सकता है ए बी सी अभी आगे आएंगे, तो ये स्टेप आपको समझाने के लिए आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 3 8 = 24 × a एक्सपोनेंट आपका हो चुका, इससे पहला चैप्टर इसलिए एक्सपोनेंट का, जिससे कि मल्टीपल करना आप सीख जाए। जब बेस सेम होते हैं तो पावर विल बी एड, तो क्या हो जाएगी 2 + 4, तो ये हो गया 24a⁴। इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने समझाने के लिए, आप इसके बाद डायरेक्ट ये भी ले सकते हैं या इसको शो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। क्लियर समझ में आ गया, कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीपल होगा विद साइन, अगर -3 होता ये +8 होता तो -24 हो जाता, है ना। अब जो वेरिएबल है उनका सेम वेरिएबल का आपस में मल्टीपल होगा, पावर एड हो जाएंगे। यहां तो सिर्फ एक ही वेरिएबल था a × a, अभी आगे और सवाल आएंगे वहां सीखेंगे, है ना। चलिए नाउ वी विल सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेकेंड इज -6x² × 5x² तो इसका मतलब क्या है, -6 का मल्टीपल हमें करना है 5 में, ये आपको समझाने के लिए, है ना। -6 × 5 = -30 ऑर्डर लिख सकते हो, इंटू एक्स स्क्वायर का मल्टीपल हो रहा है, एक्स स्क्वायर के एक्स वेरिएबल है तो एक्स का पावर कोई भी उससे को मतलब नहीं है, वो तो ऐड हो जाएगी, है ना। तो ये कितना हो गया -6 × 5, देखो बिस साइन हम बता रहे थे अभी, तो -30 और x⁴, पावर विल बी एड, वही एक्सपोनेंट वाला पावर, a⁴m इंटू a⁴n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं रूल, तो ये हो गया -30x⁴। ओके, समझ में अच्छे से। चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन द क्वेश्चन 3 इज -4ab × -3a²bc। तो देखो कॉन्स्टेंट क्या है, -4 और -3, -4 × -3 करेंगे, लिख दू मैं डायरेक्ट 12। चलिए छोड़िए, मैं आपको समझा देता हूं एक बार और, -4 का -3 में कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीपल होगा, जो प्लस माइनस साइन है उसे आप कांस्टेंट के साथ ले लीजिए। ओके, अब a यहां है और a² ये, तो क्या हो जाएगा a² देखो यहां आ गए 2-3 वेरिएबल्स, b भी आ गया तो b को पास पास लिख लो, इंटू कर लो v × b और c का एक ही टर्म है, तो ये कितना हो गया -(-)+(4, 3)/12, ए की पावर यहां 1 है ये 2, तो 1 + 2 अब तो लिख दूर आया, है ना, ए की पावर 3 या a² बोलते हैं वैसे कायदे से, तो v × v की पावर 1 है और 1 है 1 + 1 = 2, तो v² या b² / 2 और c सिंगल है तो c की पावर 1 ही रहेगी। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया, क्या करते हैं कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीपल, सेम वेरिएबल का आपस में मल्टीपल करेंगे, जैसे a × a था तो a से मतलब वेरिएबल से मतलब a² और b, यहां भी b की पावर ने लिख लिया और c, कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये तो भी सिंपल, अभी तो ++ भी आएंगे आगे वो भी बताएंगे, फिलहाल तो ये क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 4। नाउ क्वेश्चन 4, 2a²b³ × -3a³b। अभी तक इसी टाइप के सवाल है, मतलब क्या मोनोमियल का हम मोनोमियल में मल्टीपल कर रहे हैं, एक ही तो टर्म है मोनोमियल होता है, इंटू ये भी एक टर्म है, तो अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सवाल ऐसी थे, आगे बल्कि मैं देख रहा हूं 11 तक सब मोनोमियल ही हैं, तो मोनोमियल का मोनोमियल में मल्टीपल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमने बताया था कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीपल कर दो, अब तो मैं लिख दूं डायरेक्ट 2 × -3 कितना हुआ -6,
ए की पावर टू, ए की पावर थ्री कितना होगा, ए की पावर फाइव। चलो एक बार और समझा देता हूं, पावर एड हो जाती है, टू इंटू थ्री, टू प्लस थ्री सॉरी। और बी की पावर थ्री, यहां बी की पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि होता है वन, है ना। तो क्या हो जाएगा, बी रेस टू द पावर थ्री प्लस वन। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये तो लग रहा है ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। तो ये एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला या रूल यूज हो गया। तो आंसर इज माइनस सिक्स ए रेस टू द पावर फाइव इंटू वी रेस टू द पावर फाइव। इंटू का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है, है ना। इसका मतलब ही होता है अगर कोई साइन नहीं है तो इंटू है। इजी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, एंड द क्वेश्चन फाइव इज टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर वाई इंटू थ्री अपॉन फाइव एक्स वाई स्क्वायर। ये भी सिंगल टर्म, ये भी सिंगल टर्म, यानी कि मोनोमियल इंटू मोनोमियल। तो कर देते हैं कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट में, चलिए कर देते हैं इसको, टू बाई थ्री इंटू थ्री अपॉन फाइव, ये तो होना था। अब क्या आएगा, इंटू एक्स की पावर, यहां टू है, यहां पावर वन है, तो पावर विल बी एट टू प्लस वन, इंटू वाई रेस टू द पावर, यहां वन है और यहां पर टू, तो वन प्लस टू। अब इसको ध्यान से देखना, थ्री से ये थ्री कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, टू अपॉन फाइव एक्स रेस टू द पावर टू प्लस वन इज थ्री एंड वाई रेस टू द पावर वन प्लस टू थ्री। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सिक्स इज माइनस थ्री अपॉन फोर ए बी क्यूब इंटू माइनस टू अपॉन थ्री ए स्क्वायर बी रेस टू द पावर फोर। इनका आपस में मल्टीपल करना है। तो हमने क्या सिखाया आप लोगों को, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट में मल्टीपल कर लीजिए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे करके शो करके दिखा सकते हैं। तो माइनस थ्री अपॉन फोर इंटू माइनस टू बाई थ्री, और हमने बताया साइन कॉन्स्टेंट के साथ ही ले लीजिएगा। ओके, अब ए वाला टर्म ले लो, इंटू ए, यहां ए की पावर कितनी है वन, और सेकेंड टर्म में ए की पावर टू, तो ए इंटू ए करते तो पावर विल बी एड, तो ए की पावर वन प्लस टू। अब बी वाला ले लो, इंटू बी की पावर यहां कितनी है थ्री, और यहां कितनी है फोर, तो पावर विल बी एड। तो अब देखो माइनस, देखो थ्री से तो ये थ्री कैंसिल हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसकी माइनस की टेंशन खत्म है ना, माइनस माइनस प्लस ये तो हो गया कि आंसर प्लस में आएगा। अब थ्री से थ्री वन बार कैंसिल, और टू वन जा, टू टू जा तो ऊपर वन बचा, और टू वन जा, ये टू ये रहा है ना, टू वन जा टू, तो वन बाई टू तो ये हुआ। और ए की पावर कितनी हुई, वन प्लस टू कितने होते हैं थ्री, तो ए रेस टू द पावर थ्री इंटू वी रेस टू द पावर थ्री प्लस फोर कितना हुआ सेवन। तो आंसर हो गया वन बाई टू ए रेस टू द पावर थ्री बी रेस टू द पावर सेवन। आ रहा है ना समझ में अच्छे से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। ओके देखो, इन क्वेश्चन नंबर टू ये मैंने एक्स स्क्वायर उतार लिया था, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब है, जब क्यूब है तो आप समझ गए एक पावर बढ़ जाएगी, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स थ्री प्लस टू, और थ्री प्लस टू क्या होता है फाइव, तो इसको आप सही कर लेना है ना। होता क्या कभी कभी मिस्टेक उतार कर देते हैं, अभी तो निगाह चली गई तो सही कर दिया, और नहीं जाते तो ऐसे ही चला जाता। तो आपको अपने आप ही समझ में आ रहा होता है ना कि टू इंटू टू तो फोर, तो आपकी बुक में थ्री हो, कभी कभी बुक में भी अंतर होता है, कहीं पर थ्री है किसी बुक में फोर है, तो उस हिसाब से आप कर लोगे, प्रोसीजर यही रहेगा है ना। तो ये तो हमने अभी देख लिया, तो हमने बता दिया आपको। तो ये क्या होगा, यहां मिस्टेक थी, तो थ्री कर लेना, माइनस सिक्स एक्स क्यू इंटू फाइव एक्स स्क्वायर, आंसर इज माइनस थर्टी एक्स रेज टू द पावर फाइव। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, एंड द क्वेश्चन सेवन, माइनस वन अपॉन ट्वेंटी सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू माइनस नाइन अपॉन टू ए क्यू बी सी स्क्वायर। ओके, ए क्यू बी सी स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट में मल्टीपल, तो माइनस वन अपॉन ट्वेंटी सेवन इंटू माइनस नाइन अपॉन टू, कॉन्स्टेंट दोनों पास पास हमने लिख लिए। अब इंटू ए वाला टर्म देखो, यहां फर्स्ट टर्म में ए की पावर कितनी है टू, और यहां थ्री, तो ए बेस है तो पावर क्या होगी प्लस होगी, तो वन सॉरी टू प्लस थ्री, प्लस है ये है ना, टू प्लस थ्री। इंटू बी, बी का टर्म देखो, यहां पर बी की पावर टू और यहां बी की पावर वन, तो क्या आ जाएगा टू प्लस वन। इंटू सी, सी का टर्म यहां तो है नहीं, इसमें सी की पावर जो भी है वो टू है वो लिख ली,
क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब कैंसिल कर दो, नाइन वन जा नाइन, थ्री जा वन, टू जा ऊपर, तो न्यूमिनेटर में वन इंटू वन वन, और थ्री टू जा सिक्स, तो वन अपॉन सिक्स तो ये आ गया। अब ए की पावर देखें कितनी, ए की पावर टू प्लस प्लस है ये, है ना, टू प्लस थ्री, तो ए रेस टू द पावर फाइव इंटू बी की पावर टू प्लस वन, तो बी रेस टू द पावर थ्री, और सी तो स्क्वायर है ही, तो सी स्क्वायर। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन, है सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, एंड द क्वेश्चन एट इज माइनस थर्टीन अपॉन फाइव ए बी स्क्वायर सी इंटू सेवन अपॉन थ्री ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लूंगा, है ना, माइनस थर्टीन अपॉन फाइव ए बी स्क्वायर सी इंटू सेवन अपॉन थ्री ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ओके, ये तो मल्टीपल करते हैं, कैसे, कांस्टेंट का कांस्टेंट में, तो माइनस थर्टीन अपॉन फाइव इंटू सेवन अपॉन थ्री, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट आ गया। अब ए वाले टर्म लिख लो पहले, यहां ए की पावर कितनी है वन, और यहां टू इंटू में है तो प्लस हो गई, फिर इंटू बी, बी की पावर यहां टू और इसमें कितनी है वन, तो टू प्लस वन, सी यहां कितनी है वन, इस वाले टर्म में सी की पावर वन, और यहां सी की पावर कितनी है टू, तो प्लस टू। क्लियर, ये कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं। माइनस थर्टीन सेवन जा नाइनटी वन, और फाइव थ्री जा फिफ्टीन, तो माइनस नाइनटी वन अपॉन फिफ्टी, तो इसका प्रोडक्ट आ गया। बस ए रेस टू द पावर कितनी हुई, टू प्लस वन कितने होते हैं थ्री, बी रेस टू द पावर टू प्लस वन थ्री, और सी रेस टू द पावर वन प्लस टू थ्री, तीनों की सेम पावर आ गई। माइनस नाइनटी वन अपॉन फिफ्टीन ए क्यू बी क्यू सी क्यू इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, एंड द क्वेश्चन नाइन इज माइनस एट्टीन अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर जेड इंटू माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्स एक्स जेड स्क्वायर वाई। तो सेम जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट का मल्टीपल आप कॉन्स्टेंट में कर दीजिए, तो माइनस एट्टीन अपॉन फाइव इंटू माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये क्लियर हो गया, आंसर प्लस में आना है, तो हमारा साइन का टेंशन तो खत्म। ओके, अब एक्स वाले टर्म को लिखो, क्योंकि इंटू में, तो एक्स की पावर जितनी हो सबको प्लस कर दो, यहां एक्स की पावर कितनी है टू, और यहां कितनी है वन, तो टू प्लस वन इंटू वाई, यहां वाई नहीं है नो प्रॉब्लम, यहां वाई की पावर वन है तो वन लिखते नहीं है, वाई रह गया, इंटू जेड, जेड की पावर यहां वन यहां टू, तो वन प्लस टू। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, सिक्स वन जा और सिक्स थ्री जा, फाइव वन जा फाइव फाइव जा, और फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस में तो आएगा, वो तो क्लियर हो गया, तो ये फिफ्टीन प्लस का हो गया। एक्स रेज टू द पावर टू प्लस वन कितना हुआ थ्री, एक्स रेज टू द पावर थ्री वाई, जेड रेज टू द पावर कितना होगा वन प्लस टू थ्री, तो फिफ्टीन एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन। ओके, आपको दिख रहा है पूरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, एंड द क्वेश्चन टेन इज माइनस थ्री अपॉन फोर्टीन एक्स बाई रेस टू द पावर फोर इंटू सेवन अपॉन सिक्स एक्स क्यूब वाई। सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट का मल्टीपल कॉन्स्टेंट में, माइनस थ्री अपॉन फोर्टीन इंटू सेवन अपॉन सिक्स, अब एक्स के जितनी भी पावर है सबको प्लस कर दें, यहां कितनी है वन प्लस, इसमें कितनी है थ्री, तो वन प्लस थ्री इंटू वाई, इसमें फर्स्ट टर्म में वाई की पावर कितनी है फोर, टर्म तो एक ही है, और प्लस वन। ओके, तो ये कितना हुआ, देखो प्लस माइनस तो आंसर तो माइनस में आएगा, माइनस हमने लिख लिया, थ्री वन जा थ्री टू जा सेवन वन जा सेवन टू जा फोर्टीन, तो वन इंटू वन वन ही हो गया, और टू टू जा फोर, तो माइनस वन अपॉन फोर तो कॉन्स्टेंट आ गया। अब एक्स की पावर कितनी हुई देखें, वन प्लस थ्री फोर, और वाई की पावर कितनी हुई फोर प्लस वन फाइव, तो आंसर क्या हुआ माइनस वन अपॉन फोर एक्स रेज टू द पावर फोर इंटू वाई रेज टू द पावर फाइव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
एंड क्वेश्चन 11 इज माइनस 7 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर वाई इंटू 3 अपॉन 2 एक्स वाई स्क्वायर इंटू माइनस 6 अपॉन 5 एक्स क्यू वाई क्यू. सेम यहां तीन टर्म है, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट. फर्स्ट टर्म में माइनस 7 अपॉन 5 3 अपॉन 2 इंटू माइनस 6 अपॉन 5 कॉन्स्टेंट टर्म लिख लिए इंटू एक्स. इसमें क्या पावर 2 प्लस यहां एक्स की पावर 1. प्रोसीजर वही है, अब यहां एक्स की पावर 3 है इंटू में सब तो प्लस हो गए पावर इंटू वाई. यहां पर वाई की पावर कितनी है 1, देखो वाई की पावर 1, इसमें वाई की पावर 2 तो प्लस 2 और प्लस 3. माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्लियर हो गया प्रोडक्ट तो हमेशा इसमें प्रोडक्ट आएगा प्लस का. ओके अब यहां कुछ कैंसिल हो सकता है, हो रहा है 2 वन जा 2 3 जा, बाकी मल्टीपल कर दो आप 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63 5 5 जा 25 प्लस माना तो प्लस के 63 अपॉन 25. एक्स की पावर देखे कितनी हो गई 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 तो x रेज टू द पावर 6 और y रेज टू इंटू y रेज टू द पावर 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 y की भी सेम आ गई x रेज टू द पावर 6 और y की पावर भी 6. ओके इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 12. नाउ क्वेश्चन 12 2 a स्क्वायर b इंटू माइनस 5 ए बी स्क्वायर सी इंटू माइनस 6 बी सी स्क्वायर. तो क्या होगा कॉन्स्टेंट 2 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 6. ये कोई जरूरी नहीं है ना, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख सकते हो 2 5 जा माइनस 10 माइनस 10 इंटू माइनस 6 प्लस के 60. बाद में हम डायरेक्टली लिखेंगे. और ए स्क्वायर की पावर कितनी हुई, यहां 2 यहां 1 तो ए की पावर 3 बी की पावर 4 और सी की पावर 3. होता कैसे वो मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूं. अब क्या आएगा इंटू ए रेज टू द पावर 2, ए की पावर 2 यहां एक यहां तो प्लस हो जाएगा और ए इस वाले में है ही नहीं तो इंटू बी, इधर बी की पावर कितनी है 1, यहां बी की पावर कितनी है 2 तो प्लस 2 और यहां बी की पावर कितनी है 1 तो प्लस 1. इंटू सी, यहां सी नहीं है यहां सी है, पावर कितनी है 1 और इंटू सी स्क्वायर आएगा तो सी की पावर कितनी है यहां पर 2 तो प्लस हो जाएगी, है ना. ऐसे आता है ये माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10 और 10 6 जा 60. ए रेज टू द पावर 3 2 प्लस 1 3, बी रेज टू द पावर 1 2 3 और 3 और प्लस 1 4 एंड सी रेज टू द पावर 1 प्लस 2 3. इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. नाउ 13 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन 13 इज माइनस 4 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर इंटू माइनस 3 वाई. मल्टीपल इसको डायरेक्ट करते हैं, धीरे धीरे डायरेक्ट की प्रैक्टिस करें. देखो माइनस 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 का 3 बार मल्टीपल होगा तो साइन माइनस में आएगा. कैसे माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस तो माइनस आ गया. अब कांस्टेंट का मल्टीपल कर लीजिए आप 4 इंटू 6 यानी कि 4 6 जा 24 और 24 3 जा 72 ऐसी करते हैं तो 72 यहां आ जाएगा. ओके एक्स रेज टू द पावर कितनी होगी, यहां पर 2 यहां पर 1 तो लिख दू 3 लिख दू ना तो x की पावर 3 और y, अब y की देखो y की पावर यहां 2 और यहां 1 तो y रेज टू द पावर 3 ऐसे मल्टीपल होता है डायरेक्ट हम यहां लिखेंगे, ठीक है ना. अभी हमने एक एक सवाल डिटेल में समझाया, अब ऐसे चलते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. नाउ क्वेश्चन 14 माइनस 3 अपॉन 5 एस स्क्वायर टी इंटू 15 अपॉन 7 एस टी स्क्वायर यू, ये यू है ना, इंटू 7 अपॉन 9 एस यू स्क्वायर. तो वही हमने क्या बताया कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट में मल्टीपल. तो इट इज इक्वल माइनस 3 अपॉन 5 इंटू सेकेंड कॉन्स्टेंट क्या है 15 अपॉन 7 और क्या इंटू में 7 अपॉन 9 एस रेज टू द पावर, यहां पावर 2 है यहां 1 और यहां भी 1 तो पावर एड हो जाएंगी इतनी देर से कर रहे हैं ना. अब है टी, तो टी की पावर यहां पर 1 है यहां पर 2 है यहां कुछ नहीं है इंटू यू, यहां यू नहीं है यहां यू की पावर 1 और यहां यू की पावर 2. तो इसको सॉल्व करें पहले 7 से ये 7 कैंसिल. ओके
फाइव वन जा फाइव थ्री जा, और देखो थ्री से नाइन थ्री बार कैंसिल और थ्री से माइनस थ्री माइनस वन बार कैंसिल, तो माइनस तो ये आ गया इसका। अब एस की पावर कितनी हुई, टू प्लस वन थ्री और थ्री प्लस वन फोर, तो माइनस एस रेस टू द पावर फोर, टी रेस टू द पावर वन प्लस टू थ्री, और यू रेस टू द पावर थ्री। तो आंसर इज माइनस एस रेस टू द पावर फोर, टी रेस टू द पावर थ्री, यू रेस टू द पावर थ्री। ओके, समझ में आ गए होंगे आप लोगों को अच्छे से, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 तक, नेक्स्ट वीडियो में 15 से लास्ट तक के क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आप लोग इसको फेयर पकड़िए बिना देखे, और अगर पहली बार चैनल देख रहे हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको समझ में आया हो, आपके फायदेमंद लगी हो आपको वीडियो, तो चैनल को लाइक करिएगा, है ना। और जो भी आपके मन में डाउट हो या जो भी आपके विचार हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।